Hey my beauties, welcome or welcome back to my channel. So you guys have already read the title और इस title में सच में एक experience मेरे साथ जो हुआ है peel off का वो हमेशा ही गलत हुआ है. इस video को create करने से पहले I thought the title would be skin care using a peel off, but this time also the peel off experience has gone wrong. So yeah, let's quickly get into the video. सबसे पहले मैं मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये गार्नियर का क्लेंजर एंड इट इज़ माय फेवरेट क्लेंजर एंड इट रिमूव्स माय मेकअप सो नाइसली. तो शुरू करते हैं और सबसे पहले इस क्लेंजर को एक कॉटन बॉल पे लेंगे और इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेके आप अपने फेस पे वाइप ऑफ करेंगे इस तरीके से और अपना पूरा मेकअप रिमूव कर देंगे. आप देख सकते हो कितनी जल्दी कितनी आसानी से ये मेकअप रिमूव हो जाता है. तो जल्दी से मैं अपना सारा मेकअप रिमूव कर लेती हूँ इस मेकअप रिमूवर से. यू कैन सी सारा मेकअप कॉटन बॉल्स पे आ गया है. तो जो बचा हुआ मेकअप है उसके लिए मैं एक फ्रेश कॉटन बॉल यूज करके और थोड़ी सी क्वांटिटी और लेके क्लेंजर की और जो भी बचा हुआ मेकअप है उसको अच्छे से वाइप ऑफ कर दूंगी इस तरीके से. आइज़ के लिए आप ऑल्टरनेटिवली क्यूटिप यूज़ कर सकते हैं. मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस में बताया है कि क्यूटिप से आप जो मस्कारा है और अपनी लैशेस पे जो भी मेकअप काजल एंड आईलाइनर लगा हुआ है वो साफ़ हो सकता है. सो मैंने अच्छे से अपनी लिपस्टिक एंड एवरीथिंग रिमूव कर ली है और मेकअप अच्छे से अपना इस तरीके से क्लीन कर लिया है. स्टिल मेकअप रिमूवर से 100% मेकअप रिमूव नहीं होता है तो मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ. सो आई वॉश्ड माई फेस नाइसली और अब मैं इसे पैट ड्राई कर लूँगी अच्छे से अपने फेस को क्योंकि आई हैव टू बिगिन यूजिंग द पील ऑफ. दिस टाइम आई एम यूजिंग नायका गो फॉर ग्लो पील ऑफ मास्क. ऑब्वियसली आई गॉट दिस पील ऑफ मास्क फॉर फ्री. सो ये स्पैटुला की हेल्प से मैं इस पील ऑफ मास्क को लगाऊंगी. तो मैं क्या करूंगी इस पील ऑफ को इस तरीके से अपने हैंड्स पे निकालूंगी और इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी स्पैटुला पे लेकर और अपने फेस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगाऊंगी. मेक श्योर आप कुछ भी अपने फेस पे लगा रहे हो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएं. दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर स्किन केयर. तो जैसा कि आप देख सकते हो इस तरीके से मैं अपने फेस पे इसको स्प्रेड कर लूंगी ऐसे. तो मैंने ये पील ऑफ अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा लिया है. सो आई लेट इट ड्राई ऑन माई फेस फॉर अराउंड 20 मिनट्स एंड मेक श्योर यू डोंट स्पीक अ वर्ड, यू डोंट अटर अ वर्ड, अदरवाइज आपके फेस पे लाइंस बन जाएंगी. सो 20 मिनट्स हो गए हैं और मैं इस पील ऑफ मास्क को रिमूव करूंगी अपने फेस से एंड दिस इज वेयर आई फेल एवरी टाइम. अब आपके सामने प्रैक्टिकली आई शो यू कि हाउ आई फेल एंड व्हेन आई फेल. तो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ पील ऑफ मास्क को बट आई डोंट नो बिकॉज इट हैज़न्ट ड्राइड येट या क्या रीज़न है ये मेरे फेस से रिमूव ही नहीं हो रहा है. लाइक आई एम स्ट्रगलिंग हार्ड टू गेट रिड ऑफ इट. सी इट्स स्टिल स्टिकिंग ऑन माई फेस. After trying hard, I have to use a wet towel, wet hanky to remove this, and it's very difficult to remove this with a wet towel as well. Mm-hmm.
डिस्पाइट ट्राइंग सो हार्ड स्टिल मेरे नोज़ के कॉर्नर्स पे एंड कहीं कहीं किसी किसी जगह ये ब्लू ब्लू जो ये पील ऑफ मास्क था ये अभी भी रह गया है. सो आई हैव टू वॉश माई फेस टू रिमूव दिस एंड फाइनली आई वॉज एबल टू क्लीन माई फेस. सो फेस वॉश करने के बाद मैं अपने लिप्स मॉइस्चराइज करूँगी और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये नायका का लिप क्रश और इससे मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से जेंटली मसाज करूँगी अपने लिप्स पे इस तरह से. गाइज ये था मेरा बैड एक्सपीरियंस विद द पील ऑफ मास्क. आई विल नेवर एवर एवर यूज द पील ऑफ मास्क अगेन. सो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कि आपको आपके साथ भी एक्सपीरियंस होता है क्या पील ऑफ का या यू कैन टेल मी द करेक्ट वे टू यूज़ अ पील ऑफ. लाइक इट्स बिन ईयर्स आई हैवन बीन सक्सेसफुल यूजिंग अ पील ऑफ मास्क. तो या लेट्स एंड दिस वीडियो हियर. आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड या डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय टेक केयर.